हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो 8 चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वो कंप्लीट हो गया है। ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर है जिसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाएंगी जो कि बुक के अंदर नहीं लिखी हैं, लेकिन आपको जानना ज़रूरी होता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, इसलिए आपका समझना थोड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए। द कॉडिशियस, कॉडिशियस ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है जिसमें आपको ये दो विंग्स दिखाई दे रहे हैं, दो स्नेक्स जो हैं वो ऐसे इंटरविंगल हैं, ठीक, ये कॉडिशियस साइन होता है, सिंबल ऑफ हार्मीस इसको कहा जाता है। ओके, तो ये जो है ये मेडिसिन का सिंबल है। एग्जैक्टली, आप किसी भी डॉक्टर के गाड़ी पे इसको देख सकते हैं, किसी भी क्लिनिक में यही सिंबल। एक मिनट, हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ये उसका एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये थोड़ा ज़रूरी होता है आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, थोड़ा आपको सही से जानकारी होती है डिजीजेस के बारे में। तो ये द कॉडिशियस जो आपको साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, या ये साइन आप किसी भी डॉक्टर की गाड़ी पे देख सकते हैं, किसी भी क्लिनिक पे आपको ये साइन दिखेगा, ये सिंबल होता है मेडिसिन का। आपको कहीं भी ये देखने को मिल जाएगा। इट इज़ अ ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ हार्मीज, हार्मीज का ट्रेडिशनल सिंबल है ये, एंड फीचर्स टू स्नेक वाइंडिंग अराउंड एंड ऑफन विंग स्टाफ। देखिए, ये विंग स्टाफ होता है ठीक इस तरह से, और इसके इधर उधर ये बंधे हुए होते हैं, इधर उधर जो हैं ये इंटरविंगल्ड स्नेक हमको दिखते हैं। किसका सिंबल है? सिंबल ऑफ मेडिसिन क्या होता है बच्चे? द कॉडेशियस। इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर बनने जा रहे हो, कम से कम इतना जानकारी तो होनी चाहिए कि कॉडेशियस जो है वो मेडिसिन का सिंबल है। चलिए, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं आगे, तो वो टर्म्स का जानना भी ज़रूरी है। हम कब से पढ़ रहे हैं कि बीमारी हुई, बीमारी का पता लगाया, बीमारी का इलाज किया, है ना? उन सब चीज़ों के लिए कुछ टर्म्स दी जाती हैं। तो चलिए देखिए, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या हुआ है ना, जैसे मैंने कहा विब्रियो कॉलेराई ने तुम्हें कॉलेरा काउस किया। किसने किया? विब्रियो कॉलेराई से कॉलेरा हुआ। तो विब्रियो कॉलेराई जो है उसके बारे में स्टडी करना, उसको इटियोलॉजी कहते हैं। ठीक, डिजीज काउस करने वाले एजेंट के बारे में, फैक्टर के बारे में स्टडी करना, वो कैसा है कैसा नहीं है, किस तरह के उसके कैरेक्टर्स हैं, इसी को हम इटियोलॉजी कहते हैं। इटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉजिटिव फैक्टर ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो इटियोलॉजी क्या हो जाएगा बेटा? स्टडी ऑफ कॉजिटिव फैक्टर ऑफ डिजीज। समझ आया कि नहीं? किस जो भी बीमारी काउस कर रहा है फैक्टर, उसके बारे में स्टडी करना, उसको हम इटियोलॉजी कहते हैं ना। बट इस पैथोजेनेसिस, अब बीमारी एग्जैक्टली कैसे कैसे हो रही है, किस तरह से बीमारी आगे बढ़ रही है, डेवलप हो रही है, वो स्टडी करना कहलाता है पैथोजेनेसिस। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो पैथोजेनेसिस में क्या देखा जाता है बच्चे? कि बीमारी किस तरह से डेवलप हो रही है। नेक्स्ट कम एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी का मतलब है जैसे आजकल कोरोना है, तो कोरोना का पूरा एनालिसिस की जाती है कि कहाँ तक ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या पैटर्न इसका देखने को मिल रहा है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डेथ है, कहीं पे कम डेथ है ना? तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक पॉपुलेशन के अंदर देखी जाती हैं अंदर एपिडेमियोलॉजी। समझ गए ना आप कि कोई बीमारी कितनी फैली है, किस तरह से उस पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है, इस सब चीज़ की स्टडी को कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। तो इट इज द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज कंडीशंस
इनडिफाइन पॉपुलेशन, समझ गए। तो एपिडेमियोलॉजी में हम बीमारी का एनालिसिस करते हैं कि कितना फैला हुआ है, ठीक है, क्या उसका पैटर्न है, कैसे उसको कंट्रोल करने के हम तरीके सोच सकते हैं, तो यही सब देखा जाता है। ठीक, अब डायग्नोसिस का क्या हो गया, किसी बीमारी का पता लगाना है ना, उसको हम किसी बीमारी के सिम्टम्स देख के उसकी बीमारी के बारे में समझ जाना, उस बीमारी के बारे में पता लगाना, उसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ एन इलनेस और अदर प्रॉब्लम बाय एग्जामिनेशन ऑफ सिम्टम्स। तो सिम्टम्स को देख के बीमारी का पता लगाना, उसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। तो ये रिपीट पे सुन लीजिएगा, ये इटियोलॉजी, पार्ट पैथोजेनेसिस, एपिडेमियोलॉजी एंड डायग्नोसिस को। चलिए फिर इंक्यूबेशन पीरियड, तो आप जानते हैं कि जब भी हमारे बॉडी को एक्सपोजर मिलेगा किसी भी पैथोजन का, किसी भी केमिकल का, किसी भी चीज़ का, और फिर उसके बदले में हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आएंगे, उस दौरान जो टाइम रहेगा उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। देखिए क्या है, ये इज द टाइम इलैप्स बिटवीन एक्सपोजर टू अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, केमिकल और रेडिएशन एंड व्हेन सिम्टम्स एंड साइन आर फर्स्ट अपेरेंट। मतलब पहले एक्सपोजर मिलेगा और फिर जब तक साइन नहीं आ जाते, साइन और सिम्टम, पहला साइन और सिम्टम नहीं आ जाता, उसके बीच में जो भी टाइम रहेगा उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। ठीक, प्रोग्नोसिस क्या होता है, प्रोग्नोसिस का मतलब है कि अगर आपको बीमारी हो गई है, आगे वो बीमारी किस तरह से डेवलप करेगी, कितना खतरा इस बीमारी से है, इस चीज की पता लगाना, यही प्रोग्नोसिस कहलाता है। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस is a medical term for predicting the likely or expected development of disease, including whether the signs and symptoms will improve or worsen or remain stable over the time. Doctor, आपको बताते हैं ना कि आपकी बीमारी बहुत बढ़ने वाली है या आपकी बीमारी अब थोड़ा ठीक हो रही है। ठीक, तो बीमारी किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, वो आगे ख़तरनाक होने वाली है या फिर ठीक होने वाली है, तो यही चीज़ डॉक्टर्स बताते हैं, साइंस और सिम्टम्स देख के आपके कि किस तरह से बीमारी डेवलप कर रही है, इसी चीज़ को प्रोग्नोसिस कहा जाता है। ठीक, अब प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है, तो इज़ द ट्रीटमेंट गिवन और एक्शन टेकन टू प्रिवेंट द डिजीज़ होने ही ना दें। ठीक, डिजीज़ को रोकने के लिए जो भी इलाज किए जाते हैं, ट्रीटमेंट्स की जाते हैं, जो भी काम किए जाते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं, उन सब को हम लेते हैं प्रोफाइलेक्सिस के अंडर। ठीक, कंप्लीट हो गया बच्चे, प्रोग्नोसिस बताइए क्या होता है, बीमारी किस तरह से डेवलप करेगी, हमें और ज़्यादा बीमार करेगी या हम ठीक हो जाएंगे, इसी तरह को यही जो बीमारी का डेवलपमेंट होता है उसी का एनालिसिस करना प्रोग्नोसिस कहलाता है। डायग्नोसिस में क्या होता है, डायग्नोसिस में आपके सिम्टम्स को देख के बीमारी का सिर्फ पता लगाया जाता है कि कौन सी बीमारी होगी, प्रोग्नोसिस में वो बीमारी कितना डेवलप करेगी, कितना आपको नुकसान पहुंचाएगी, कितना जो है आप सही हो सकते हैं, वो उसके बारे में प्रोग्नोसिस में बताया जाता है। ठीक है, अब एंडेमिक, कोई भी बीमारी जब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में या सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में ही देखने को मिलती है तो उस बीमारी को एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक, जब एक देश में बहुत जगह जो है वो बीमारी फैलने लगती है तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक, जब वो बीमारी बहुत सारे देशों में फैलती है, इधर उधर बहुत जगह फैलती है, कॉन्टिनेंट्स में फैल जाती है तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, एंडेमिक मीन्स डिजीजेस फाउंड अमंग पर्टिकुलर पीपल और इन अ सर्टेन एरिया। तो किसी एक जगह पे, ठीक, या कुछ कुछ लोगों के बीच में ही जो बीमारी पाई जाएगी उसको कहेंगे हम एंडेमिक। Epidemic is rapid spread of disease to a large number of people in a given population within a short period of time. तो epidemic क्या हो गया,
किसी जगह की, मतलब जैसे पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फैल जाना है ना। देखिए अब जैसे कोरोना भी बहुत जल्दी फैल गया है ना, तो एक पॉपुलेशन में बहुत जल्दी किसी बीमारी का फैल जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, एक एपिडेमिक है। और अब कोरोना हमारे इंडिया के लिए तो एपिडेमिक है, पर वर्ल्ड के लिए क्या है, पेंडेमिक है। क्योंकि पेंडेमिक इज एन एपिडेमिक, एपिडेमिक जो पहले किसी एक ही देश में हो रही थी है ना, एक ही जगह पे हो रही थी, तो पेंडेमिक एक तरह का एपिडेमिक होता है दैट स्प्रेड्स ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। तो जो बहुत सारे देशों में फैलेगी बीमारी वो होती है पेंडेमिक। क्लियर? अब कोच पास्टुलेट्स के बारे में जानना जरूरी है। पहले यूं बताती हूँ कि कोच पास्टुलेट्स क्या कहते हैं। कोच पास्टुलेट के अकॉर्डिंग जिस भी ऑर्गेनिज्म की वजह से आपको बीमारी होती है, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बीमार आदमी में बहुत ज्यादा पाया जाएगा, लेकिन हेल्दी पर्सन में नहीं पाया जाएगा। समझ गए? हाँ ठीक है। दूसरा कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बीमार कर रहा है, ठीक, आपकी बॉडी से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाला जाएगा और उसको आप लैबोरेटरी में प्योर कल्चर में ग्रो करवा सकते हैं। मतलब वही कल्चर देंगे आप जो आपकी बॉडी के अंदर होगा, तो आप लैबोरेटरी में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक, अब उस ग्रो किए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप फिर से किसी हेल्दी पर्सन में डालते हैं, तो वो उस हेल्दी पर्सन में जाके फिर बीमारी करेगा। ठीक, अब उस हेल्दी पर्सन से उस ऑर्गेनिज्म को फिर से रीआइसोलेट करना है। ठीक, फिर से रीआइसोलेट करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, और उसको आप फिर से कल्चर कर सकते हैं। और कल्चर क्या कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपको जैसे सबसे पहला वाला ऑर्गेनिज्म, पहला वाला पैथोजन दिखे दिखा था, बिल्कुल वैसा ही दिखेगा वो। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये किसी होस्ट की बॉडी में था, ठीक है, ये किसी होस्ट की बॉडी में था, तो कहते हैं कि ये इसी की बॉडी में होगा बहुत सारे नंबर में, किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में नहीं होगा। फिर आपने इसको आइसोलेट किया, लेबोरेटरी में जाके कल्चर कर दिया, ठीक, बहुत सारे बन गए हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें से एक लेंगे, किसी हेल्दी पर्सन में डाल देंगे। ठीक है, ये हेल्दी पर्सन में डाल दिया, तो इस पर्सन को भी क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। ठीक, अब आप इससे फिर से आइसोलेट करेंगे, फिर से आप इस ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इससे आइसोलेट करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो था, ये ऑर्गेनिज्म जो था और ये ऑर्गेनिज्म जो था, ये आइडेंटिकल ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि है तो ये सेम ही पैथोजन है ना, पर आप कितनी भी बार इसको निकालो, फिर ग्रो करवाओ, फिर किसी और पर्सन में ये चला जाएगा, लेकिन है क्या, ये सेम ही है। ठीक, ये ऐसा इसलिए बोल रहे थे कोच क्योंकि दरअसल जब कोई बीमारी मुझे होगी, मेरी मेरी बॉडी में वो क्या करेगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, फिर वो कुछ किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में जा सकते हैं, है ना, लेकिन वो सेम ही रहेंगे वहाँ पे भी। ठीक, तो देखिए, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी फाउंड इन अबंडेंस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स सफरिंग फ्रॉम डिजीज बट नॉट बी फाउंड इन हेल्दी ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो कोच पॉस्टुलेट का पहला जो पॉस्टुलेट है वो कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी बीमार लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत अबंडेंस में होंगे, बट किसी भी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में हमको ये माइक्रोब्स देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ डिजीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं हम किसी भी डिजीज ऑर्गेनिज्म से। हाँ बिल्कुल, कोई भी बीमार इंसान होगा उससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं, है ना, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बीमारी कर रहा है, हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक, और उसको फिर प्योर कल्चर में ग्रो करवा सकते हैं। अब द कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड काउज डिजीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म। अब जो डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर किया था
उस कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप फिर से किसी हेल्दी इंसान में डालेंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से बीमारी काउस करेगा। ठीक, अब फिर क्या होगा? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी री आइसोलेटेड फ्रॉम द इनोकुलेटेड और डिजीज एक्सपेरिमेंटल होस्ट एंड आइडेंटिफाइड एज बीइंग आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपने प्योर कल्चर में तैयार किया था और फिर आपने दोबारा उसको किसी होस्ट में डाला डाला था, तो उसको अब आप री आइसोलेट करेंगे, दोबारा से उस होस्ट से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकालेंगे और आप पाएंगे कि जो पहला पॉजिटिव एजेंट था ये दूसरा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बिल्कुल सेम ही है। ठीक, लेकिन इन कोच पास्टुलेट्स के लिए एक एक्सेप्शन आता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड ट्रैपोनीमा पैलिडम का। ठीक है, अब आपको पता है ट्रैपोनीमा पैलिडम जो है वो साइफिलिस काउस करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है लेप्रोसी काउस करता है। तो खास तौर पे जो लेप्रोसी का बैक्टीरिया है वो इन कोच पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करता है। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट बी ग्रोन इन प्योर कल्चर मीडियम। आप उनको आइसोलेट करके प्योर कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करवा सकते हैं। तो बाकी आगे की तीन चीजें तो दो, मतलब जैसे एक तो आपने कर लिया, ठीक है, एक तो आपने मान लिया कि बीमार जो होगा उसी की बॉडी में ये पाया जाएगा सबसे ज्यादा, लेकिन दूसरा इसको प्योर कल्चर में नहीं ग्रो किया जा सकता, तो तीसरा और चौथा तो फॉलो ही नहीं किया जाएगा। ठीक, इसीलिए लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया होता है वो कोच पोस्टुलेट्स को फॉलो। मैं आपसे कहा था कि मैं आपको टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स भी पढ़ाऊंगी, तो ये सबसे पहला टाइप जो आता है वो आता है किलर टी सेल्स का। बच्चे ऐसे समझ लीजिए कि पहले किस तरह से एक्ट करेंगे, जैसे कि ये सेल है पैथोजन है जिसपे एंटीजन होंगे, मतलब हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स को प्रोवोक करने वाले सब्सटेंसेस इसके पास होंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, किलर टी सेल आएगी, यहाँ पे बाइंड कर जाएगी, ठीक, इन एंटीजन के साथ बाइंड करेगी। तो जैसे ही किलर टी सेल जो है इन एंटीजन के साथ बाइंड करेगी यहाँ पे, तो वो कुछ केमिकल सिक्रीट करेगी जिनको हम कहते हैं परफोरिंस। क्या कहते हैं हम इनको? परफोरिंस कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा कि परफोरिंस जो हैं वो यहाँ पे इस सेल में होल्स बना देंगे, होल बन गए, हो सकता है एक और होल बना हो। फिर जिस भी टिश्यू में ये सेल पाई जा रही है उस टिश्यू के इंटरस्टिशियल स्पेस से जो फ्लूड है वो अंदर आएगा, ठीक, इस सेल में आएगा। अब सेल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी और फिर थोड़े टाइम बाद स्वेल होके बर्स्ट होके डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक, और इस तरह से जो है वो पैथोजन को खत्म कर दिया गया। ठीक, तो किलर टी सेल्स ने डायरेक्ट अटैक किया किस पे? पैथोजन पे, और उसको खत्म कर दिया। चलिए अब पढ़ते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, दे अटैक डायरेक्टली एंड डिस्ट्रॉय एंटीजन एंड दस कॉल्ड किलर टी सेल्स। डायरेक्टली ये अटैक करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीजन को, इसीलिए इनको किलर टी सेल्स भी कहा जाता है। आफ्टर बाइंडिंग टू द एंटीजन ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टी सेल्स सिक्रेट परफोरिंस, दे पंच लार्ज राउंड होल्स इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ अटैक्ड सेल्स। ठीक है, क्या करेगा किलर टी सेल्स जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, जो भी एंटीजन है उसके साथ बाइंड करेगा। ठीक, जिस भी जहां भी आपको एंटीजन मिल रहा है, जिस भी सेल पे आपको एंटीजन मिल रहा है वहां पे क्या जाएगा, उस पे जाएगा आपका किलर टी सेल, बाइंड होगा, सिक्रीट करेगा परफोरिंस को, परफोरिन की वजह से उस सेल में जिसके पास क्या है एंटीजन है उसमें होल हो जाएंगे। अब होल होने के बाद क्या होगा, देन द फ्लूड फ्लोज रैपिडली इन द अटैक सेल फ्रॉम इंटरस्टीशियल स्पेस। तो इंटरस्टीशियल स्पेस से अटैक सेल के अंदर फ्लूड आ जाएगा, द सेल अटैक सेल बिकम स्वोलन एंड यूजुअली डिजॉल्व देयर आफ्टर। तो अटैक जो सेल है वो स्वेल होगी थोड़े टाइम के लिए और उसके बाद वो डिजॉल्व हो जाएगी, समझ गए, और इस तरह से सेल जो है वो खत्म हो जाएगी। ग्राफ्ट रिजेक्शन के केस में हम पढ़ते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं, क्योंकि
ग्राफ्ट रिजेक्शन के केस में भी इस तरह से सेल्स जो हैं उन पे फॉरेन का पैथोजन जो भी होगा वो फॉरेन सेल्स की तरह होंगी ना, तो किलर टी सेल्स वहां उनको पहचानेंगी और उन पे अटैक करना शुरू कर देंगी। इसीलिए ग्राफ्ट के अगेंस्ट भी जो काम करती हैं वो मेनली कौन सी होती हैं, किलर टी सेल्स होती हैं। ये आपको मोड ऑफ एक्शन बताया कि किस तरह से किलर टी सेल्स काम करती हैं। ठीक, हेल्पर टी सेल्स जो है वो हेल्प करती है बी सेल्स को टू प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज। ठीक, तो मतलब ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है ना, यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स SMIR NAIMR। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया है। ठीक, तो ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स के बीच में की रेगुलेटरी लिंक की तरह काम करते हैं हेल्पर टी सेल्स, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो बी सेल्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में। सुप्रेसर टी सेल्स का काम क्या है, सुप्रेसर जो टी सेल्स हैं ये किलर टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स दोनों के ही काम को सप्रेस करते हैं। देखो, किलर टी सेल्स का काम है डायरेक्ट पैथोजन पे अटैक करना और हेल्पर टी सेल्स का काम है एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में रोल प्ले करना। ठीक, तो इसीलिए ये जो सप्रेसर टी सेल्स हैं ये दोनों को ही सप्रेस कर सकती हैं। दे सप्रेस द एंटायर इम्यून सिस्टम कीपिंग इट अवे फ्रॉम अटैकिंग द ओन बॉडी। ठीक, तो सप्रेस क्योंकि किलर टी सेल्स को सप्रेस करना भी जरूरी है, हेल्पर टी सेल्स को भी सप्रेस करना जरूरी है। ये काम तभी करनी चाहिए जब बॉडी को इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है। अगर ये कॉन्टिन्यूस काम करती हैं तो हमारी बॉडी खुद को अटैक करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेस होने लगती हैं। ठीक, तो सारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम किसका है, टी सेल्स का है, ताकि अपनी ही बॉडी को नुकसान ना हो। लास्ट में आती है मैमरी सेल्स, मैमरी टी सेल्स। आप जानते हैं कि मैमरी टी सेल्स जो हैं वो बी सेल्स, मैमरी बी सेल्स भी होती हैं, मैमरी टी सेल्स भी होती हैं। मैमरी टी सेल्स मेनली आपको स्प्लीन और लीवर में स्टोर्ड मिलेंगी। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए मैमरी टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि वो याद रखती हैं कि पहला ये पैथोजन आ चुका है, अटैक कर चुका है, तो दूसरी बार जो रिस्पॉन्ड करेंगी वो मैमरी टी सेल्स ही रिस्पॉन्ड करती हैं। तो ये हो गई आपके टाइप्स ऑफ टी सेल्स। ठीक है, फोर चार टाइप्स का हुआ। ठीक, यहाँ पे फाइव हो गया है। ठीक है, फोर टाइप्स की हुई, कौन कौन सी, किलर टी सेल्स, ठीक, और सप्रेसर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड मैमरी टी सेल्स। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, कि किस किस तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। हम एग्जैक्टली ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात करेंगे। ऑटोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, जब आपकी ही बॉडी के किसी पार्ट से कुछ टिश्यू उठा के आपकी ही बॉडी के दूसरे हिस्से में लगा दिया जाए तो उसको ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो इट इज द ग्राफ्टिंग ऑफ वंस ओन टिश्यू टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एक ही इंसान के शरीर पे एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे टिश्यू को ले जाना, उसको हम कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। अब आइसोग्राफ्ट क्या होता है, अब आपको जरूरत है किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की किसी हिस्से की, अगर वो ऑर्गन आपके ट्विन ब्रदर और सिस्टर से लिया गया है तो उसको आइसोग्राफ्ट कहेंगे। तो ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन अ ट्विन ब्रदर और सिस्टर। एलोग्राफ्ट क्या कहेंगे, देखिए मैं तुमसे किसी तरह से भी रिलेटेड नहीं हूं, है ना, अगर तुम्हें किसी ऑर्गन की जरूरत है और वो मैं दे रही हूं, हम दोनों सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल हैं लेकिन रिलेटेड नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है हमारा, तो इसको कहेंगे एलोग्राफ्ट। तो देखिए, ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज बट डिफरेंट जेनेटिक बैकग्राउंड। मेरा और आप में से किसी का जेनेटिक बैकग्राउंड क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। सेम स्पीसीज के हम इंडिविजुअल होंगे जिसमें एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट दे रहा होगा, एक ऑर्गन का डोनर होगा, दूसरा रिसीवर होगा। तो ये हो गया ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज बट डिफरेंट जेनेटिक बैकग्राउंड, ये होता है एलोग्राफ्ट। तो ऑटोग्राफ्ट एक ही इंसान में होगा,
एक ही इंसान की बॉडी के हिस्से से दूसरे उसकी किसी बॉडी के पार्ट पे टिश्यू को ले जाया जाएगा, एलोग्राफ्ट में किसी दूसरे इंसान से लिया जाएगा जो आपसे जेनेटिकली भी रिलेटेड नहीं है। जीनोग्राफ्ट क्या हो गया? ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन एनिमल्स और इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। एलोग्राफ्ट में कम से कम स्पीसीज सेम रहती है, जीनोग्राफ्ट में तो स्पीसीज ही क्या कर दी गई, डिफरेंट कर दी गई। ओके, तो ये आ गए टाइप्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ग्राफ्ट। ठीक, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैंसर के टाइप्स क्या क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, है ना। जो भी कैंसर एपिथेलियल सेल में होता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं कार्सिनोमास। तो दीज आर डिराइव फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स और ये दीज आर द मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड कैंसर विच ओरिजिनेट इन स्किन कैंसर, एक कार्सिनोमा होगा। लंग कैंसर भी कार्सिनोमा होगा। ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, क्या होगा? कार्सिनोमा होगा। मैमोग्राफी, ब्रेस्ट में कैंसर को पता लगाने के लिए मैमोग्राफी की जाती है। पैंक्रियाज में कोई कैंसर होगा, कार्सिनोमा होगा। किसी भी कोई ऑर्गन की एपिथेलियल सेल्स में जो कैंसर हो रहा होगा उसको हम कार्सिनोमा कहेंगे। और ग्लैंड्स में भी जो क्या होता है, कैंसर होता है। देखिए याद है ना आपको, एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंड्स जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी है। कब? जब क्यूबॉइडल या कॉल्यूमनर एपिथीलियम जो है वो सिक्रीशन का ही काम करता है तो वो ग्लैंडुलर टिश्यू बन जाता है। ठीक, तो एपिथीलियम का ही तो टाइप है ये। ग्लैंड्स में भी जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमास के अंडर ही आता है, कार्सिनोमा का टाइप ही होता है, जैसे एडिनो कार्सिनोमा मतलब ग्लैंड्स में होने वाला कैंसर। सार्कोमा, आपके जो भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो भी आपको क्या होगा, डिजीज होगी, उसको हम कहते हैं सार्कोमा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है आपको जो भी डिजीज रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, सार्कोमा कहेंगे। देखिए दीज आर डिराइव फ्रॉम मिजोडर्म्स। ठीक, तो दीज ट्यूमर्स आर मोस्ट कॉमन इन द बोन्स। ठीक है, बोन्स में आपको दिखाई देगा, टेंडन्स में आपको दिखाई देगा, कार्टिलेजेस में, नर्व्स में भी आपको दिखाई देगा, नर्व्स में भी। ठीक है, नर्व्स में ग्लियोमा, कई बार नर्व सेल में, ग्लियल सेल्स में होता है तो ग्लियोमा कह देते हैं। फैट, फैट क्या है? लिपिड, लिपिड फैट टिश्यू में हो गया तो क्या बोल दिया, लिपोमा बोल दिया। लेकिन किसका टाइप होगा? सार्कोमा का। तो ये सब क्या है? कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। फैट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। हालांकि नर्व्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, न्यूरल टिश्यू है। बोन्स क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। मसल्स तो मस्कुलर टिश्यू है। ठीक, लेकिन सार्कोमा मेनली क्या कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू में जो होता है उसको हम सार्कोमा कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में होने वाले कैंसर को सार्कोमा कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में, जो आर्म लेग्स में ब्लड वेसल्स हैं, ठीक, वहां पे भी क्या होगा, आपको उस जगह पे भी आपको सार्कोमा देखने को मिल सकता है और ये बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी जा सकता है। ठीक है, तो आप कंप्लीट हो गया कि क्या सार्कोमा मसल्स में होता है, माइलोमा, ठीक, जो हम सार्कोमा का ही पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, पर मेनली कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा आपको मस्कुलर भी देखने को मिल जाएगा थोड़ा और न्यूरल भी देखने को मिल जाएगा, पर सार्कोमा मेनली रिलेटेड है मस्कुलर टिश्यू से। नाउ व्हाट इज दिस लिम्फोमा? तो लिम्फोमा इज द कैंसर ऑफ लिम्फैटिक टिश्यू। ठीक है, लिम्फैटिक टिश्यू में जो कैंसर होता है उसको लिम्फोमा कहते हैं। हॉजकिन डिजीज नाम की एक बीमारी है जो टाइप ऑफ लिम्फोमा है, लिम्फैटिक टिश्यू का कैंसर कहा जाता है। ठीक है, ये जो लिम्फोमा होता है विच इज अ ब्लड कैंसर दैट स्टार्ट इन द लिम्फैटिक सिस्टम। ठीक है, तो मैम ब्लड तो वो आया, कनेक्टिव टिश्यू आया, तो कनेक्टिव टिश्यू को तो कहाँ होना चाहिए, सार्कोमा के अंडर होना चाहिए। बेटा देखिए, ब्लड कैंसर है, हॉजकिन डिजीज एक तरह का लिम्फोमा है, एक तरह का ब्लड कैंसर है, लेकिन स्टार्ट कहाँ हुआ है? ये लिम्फैटिक सिस्टम में हुआ है। ठीक, लिम्फैटिक सिस्टम आप जानते हैं कि इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है बीमारियों से लड़ने में, याद है कि नहीं है? ठीक है, इट मे रिजल्ट इन एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स बाई लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। ठीक, तो जो लिम्फैटिक सिस्टम का कैंसर होता है उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, लिम्फ नोड में
प्रोडक्शन बढ़ जाएगा लिम्फोसाइट्स का, और स्प्लीन में भी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन हमें बढ़ा हुआ मिलता है इन केस ऑफ लिम्फोमा, जब लिम्फैटिक टिश्यू में क्या होता है, बोलिए क्या होता है, लिम्फैटिक टिश्यू में बीमारी होती है, कौन सी बीमारी, कैंसर होता है। लिम्फोइड ऑर्गन याद है ना आपको, लिम्फ नोड और स्प्लीन क्या थे, लिम्फोइड ऑर्गन थे, लिम्फोसाइट्स वहां बनते हैं। तो जब लिम्फोमा होता है, लिम्फैटिक टिश्यू का कैंसर होता है, तो उस दौरान इन लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हॉजकिन डिजीज याद रखिएगा क्या होता है, लिम्फोमा भी याद रखिएगा कहां के कैंसर को बोलते हैं, मेलानोमास, कैंसरस ग्रोथ ऑफ मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स क्या होते हैं, मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल, जिन सेल से मेलेनिन पिगमेंट रिलीज होता है जो कि हमारे कलर को कंट्रोल करता है, वहां अगर क्या होता है, कैंसर होता है, तो उसको हम मेलेनोमास बोलते हैं। ल्यूकीमिया क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स में का जो कैंसर होता है उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। दरअसल बोन मैरो में व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर बहुत बढ़ जाता है, अनकंट्रोल्ड बढ़ जाता है, उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। अब नॉर्मल इंक्रीज ऑफ ल्यूकोसाइट काउंट ड्यू टू दियर इंक्रीज प्रोडक्शन इन बोन मैरो, समझ गए आप। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट है, एक मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, हिस्टो होता है टिश्यू, कंपैटिबिलिटी होता है टिश्यूज में आपस में कंपैटिबिलिटी, है ना। तो इट इज अ लार्ज लोकस ऑन वर्टिब्रेट डीएनए कंटेनिंग अ सेट ऑफ क्लोजली लिंक्ड पॉलीमॉर्फिक जीन्स दैट कोड फॉर सेल सरफेस प्रोटीन असेंशियल फॉर अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक। तो मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि बहुत सा ये आपका टिश्यू है, ठीक, इस टिश्यू पे जो है क्या होगा, क्लोजली लिंक्ड जीन्स पाई जाएंगी, ये टिश्यू जो है कंपैटिबल होगा, सेम तरह की जीन्स इन पे मिलेंगी। लेकिन देखिए मैंने क्या कहा है कि मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो वर्टिब्रेट का डीएनए है, ठीक, उस पर एक बड़ा सा लोकस होगा जिसपे बहुत सारी जीन्स होंगी, ठीक है, क्लोजली लिंक्ड जीन्स होंगी बहुत सारी, ठीक, जो क्या कोड करेंगी, जो उन प्रोटीन्स को कोड करती हैं जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जरूरी होते हैं, ठीक, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जरूरी होती हैं, ठीक, समझ गए आप। तो हमारे वर्टिब्रेट के डीएनए में वो लोकस, ठीक है, वो लोकस जहां पे वो जीन्स पाई जाएंगी बहुत सारी, जो कि हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करने वाली प्रोटीन्स को बनाती हैं, ठीक। तो वो लोकस जो है वो एग्जैक्टली मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है। जैसे तुमको बोला कि तुमको कुछ ऐसा बनाना है जो आपकी पूरी सोसाइटी के लिए काम करे, है ना, तो फिर तुम एक बड़े कॉम्प्लेक्स की तरह काम करोगे, मिलके काम करोगे। उसी तरह से जीन्स, क्लोजली लिंक्ड जीन्स आपको एक लोकस पे मिलती हैं और वो जीन्स आपके एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करने वाली प्रोटीन्स को बनाती हैं, ठीक। तो जो भी टिश्यू पे ये जीन्स पाई जाएंगी वो फॉर्म करता है मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखिए This locus got its name because it was discovered in the study of tissue compatibility upon transplantation. ये जो major histocompatibility complex कहा गया, कब नाम मिला, organ transplantation जब कर रहे थे तब पता चल रहा था कि कुछ हिस्सा है जो कि compatible नहीं हो रहा है, ठीक। organ transplant में टिश्यू का कुछ हिस्सा पाया गया, ऑर्गन में कुछ टिश्यू पाया गया जो कि दूसरे इंसान के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, या कंपैटिबिलिटी थी, ठीक। अगर कंपैटिबिलिटी होगी तो वो सही से सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा, ठीक, और वो दूसरे पर्सन की बॉडी में जाके भी अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर क्या होगा, तो वो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो समझ के, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या है, एक लार्ज लोकस है वर्टिब्रेट के डीएनए में जहां पे बहुत सारी जीन्स होती हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रोल प्ले करने वाली प्रोटीन्स को बनाती हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट योर एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स, एक्स्ट्रा लेक्चर। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।